जब हमारे अंदर प्रभु में बढ़ने के लिए जब ख्वाहिश होते हैं तो हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बात है जो प्रभु के वचन से है वो है लूका की इंजिल उसका 17 उसके 5 आयत में, चेले लोग आकर प्रभु से कहते हैं, यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं, हे प्रभु, हे गुरुवर, हमारे विश्वास को तू बढ़ा। वो यीशु मसीह के साथ साथ चलने के बावजूद भी, यीशु मसीह के साथ फिजिकली साथ में रहने के बावजूद भी, यीशु के साथ 5 रोटी 2 मछलियों को लोगों के पास पहुंचाकर सबको तृप्त होते हुए देखने के बावजूद भी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह कर रहा है ये देखने के बावजूद भी, जब वो प्रभु के साथ चल रहे थे फिर भी उन्होंने देखा कि उनमें कुछ कमी है। जब हमारे जीवन में बरकत की कमी हो जाती है, जब हमारे जीवन में शांति की कमी हो जाती है, जब हमारे जीवन में बीमारियों से हम चंगाई नहीं पाते हैं, जब हमारे जीवन में क्लेश मुसीबत कठिनाई बढ़ जाता है, तो हम जो है मेन बात उसको देख नहीं पाते हैं, हम कई और बातों को देख हम जो है परेशान हो जाते हैं, या हम दुखी हो जाते हैं, या हम अपने दिल को कड़वा कर देते हैं, या हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, या प्रभु का वचन पढ़ना कम कर देते हैं, या प्रभु की सेवा करना कम कर देते हैं, प्रभु को देना कम कर देते हैं। हमारे जीवन में जिस वक्त की हमें और ज्यादा उसको करना चाहिए उसको हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि मेरे जीवन में बरकत की कमी इसलिए हुई है, मेरे जीवन में चंगाई इसलिए देर हो रहा है, मेरे जीवन में शांति इसलिए देर हो रहा है, मेरे जीवन में जो सब कुछ सही ठीक होना चाहिए था वो सब कुछ ठीक इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास की कमी है। हम कई बातों को देखकर दोष लगाते हैं, हम लोगों को दोष लगा देते हैं या परिस्थिति को दोष लगा देते हैं, अपने आप को कोसते हैं और बोलते हैं कब तक। जब परमेश्वर कुछ देर करता है, डिले करता है, वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास कितना है आज? क्या आपका विश्वास जितना कल था उससे ज्यादा है आज? आज सुबह आपके दिल में जितना विश्वास था प्रभु के लिए क्या उससे ज्यादा है? आपका विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास राई की दाने की बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को कह सकते हो कि यहां से हटकर समुन्द्र में जाके गिर और वो तुम्हारी बात को मानेगा। हम बोलेंगे बड़ा विश्वास करने की क्या जरूरत है, प्रभु ने तो कहा राई की दाने की बराबर विश्वास। राई के दाना तो बहुत छोटा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम राई के दाने के जैसा छोटा विश्वास रखो। जब यीशु मसीह और उसके चेले लोग कश्ती में सफर कर रहे थे, झील के एक छोर से लेकर दूसरे छोर की ओर जा रहे थे, और जब वो झील के बीच में ही थे तो बहुत ही बड़ी आंधी आई और बड़ा तूफान आया, और वहां पर जब आंधी तूफान बढ़ गया, चेले लोग लाखों कोशिश करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए, और उसके बाद वो यीशु मसीह के पास जाकर कहते हैं, हे गुरु, हम मर रहे हैं, क्या तुझे पता नहीं, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? यीशु मसीह फटाफट उनके लिए खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कहा, शांति हो। पानी शांत हो गया, आंधी रुक गई, तूफान रुक गया, और उसके बाद चेले लोगों को देखकर प्रभु कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है हे अल्प विश्वासियों? प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमारे अंदर विश्वास कितना है। वो प्रभु कभी नहीं चाहते कि हमारा विश्वास छोटा रहे, हमारा विश्वास अल्प विश्वास ना हो जाए। मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, इस महामारी के समय में, इस कठिनाई के समय में, आज चैलेंजिंग परिस्थिति के समय में, क्या आप का विश्वास छोटा पड़ गया है? अगर शांति नहीं मिल रहा है, अगर आप चैन से सो नहीं पा रहे, आप हर बात को देखकर बेचैन हो रहे हैं, मतलब विश्वास कम है। सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि चलो जी हो जाएगा, नहीं, विश्वास में बढ़ने का मतलब ये है कि सच्चे परमेश्वर को जानकर सच्चे परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना, विश्वास में बढ़ना है। एक राई की दाने की बराबर विश्वास जो यीशु ने कहा, उसका मतलब यह है, एक राई का दाना को जब हम जमीन में फेंक देते हैं, जो जमीन में वो गिर जाता है, जमीन में गिरने के बाद वो जमीन में कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो एक हरा भरा पौधा होकर निकल आता है। प्रभु जब कहता है कि राई के दाने के बराबर विश्वास हो, इसका मतलब हमारे पास एक एक्टिव विश्वास होना चाहिए, एक
कार्यशाली विश्वास होना चाहिए, मुर्दा विश्वास नहीं, कल वाली विश्वास नहीं, आज एक्टिव विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ, प्रभु में प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूँ, प्रभु पर भरोसा करने में, प्रभु के वचनों पर भरोसा करने में, प्रभु के पीछे पीछे चलने में, प्रभु के नाम पे दूसरों के पास जाकर प्रभु का चेला बनाने में हमें बढ़ना है। हम जब विश्वास में बढ़ते हैं हमारे मिराकल्स बढ़ते हैं। जितना ज्यादा हम अंधविश्वास में बढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारे ऊपर अभिशाप आता। विश्वास में बढ़ने के लिए जो रुकावटें हैं वो हमारी ईगो है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी सेल्फ कॉन्शियस है। जब हम अपने आप को ही देखते रहते हैं हमेशा, मैं ही हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, जब हम ये सोचना शुरू करते हैं विश्वास में हम कभी नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम विश्वास से बढ़ना चाहते हैं तब अगर हम नेगेटिव बात करते रहते हैं, होगा नहीं, नहीं मिलेगा, ये बदलेगा नहीं, सिचुएशन ठीक नहीं होगा, ये चंगा नहीं होगा, लाखों कोशिश कर लो नहीं होगा, जब हम नेगेटिव बात नकारात्मक बात करते रहते हैं हम विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, जब हम दूसरों को देखते रहते हैं हम विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे। आज अगर हम धर्मी हैं, हम अगर सच्चाई के साथ चलते हैं, आज अगर हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, आज अगर हम सही है, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हम दूसरों को ना देखें। जब हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं शैतान उधर आके हमारे अंदर कॉम्पिटिशन की स्पिरिट और जांचने का स्पिरिट लेकर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हर एक विश्वासी बोलता है कि मैं तो उससे अच्छा हूं, मैं तो उससे बढ़िया हूं, तो हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में घट जाते हैं। बाइबल का नॉलेज पूरा होने के बावजूद भी अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। आज लोग बाइबल के बारे में कुछ तो जानते होंगे, लेकिन वचन कई लोगों को पता होगा, लेकिन जब विश्वास नहीं है तो वचन जानकर भी कोई फायदा नहीं है। शैतान को भी वचन पता है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, शैतान को भी पवित्र बाइबल का वचन पता है। वो क्यों स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, वो क्यों बरकत नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर। हमें विश्वास से बढ़ने के लिए और एक जो रुकावट ये है, हमारे अंदर अगर हम किसी के लिए कड़वाहट रखे होंगे, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया था, उसी कड़वाहट को अगर हम अंदर रखे रहेंगे हम विश्वास में कभी नहीं बढ़ेंगे। प्रभु तो आपके नाक कितना सोना है, आपका चेहरा कितना सुंदर है वो नहीं देखेगा, आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, आपने कितना अच्छा कपड़ा पहना है वो प्रभु नहीं देखता है। प्रभु देखता है सीधा अंदर। अंदर क्या रखा है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट कर दिया, किसी ने आपके खिलाफ बात बोल दिया, वो सब अगर कड़वाहट को बिटरनेस अगर हम दिल में रखे होते हैं विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि विश्वास में बढ़ने के लिए कोशिश करते हो कड़वाहट आ जाता है, याद आ जाता है और हम विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। और विश्वास में मजबूत ना होने का, विश्वास में ना बढ़ पाने का एक रुकावट है, प्रार्थना ना करना। आज हर एक लोग बोलेंगे हम तो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं, हाँ मांगते हैं जरूर, प्रभु से मांगते हैं, हाँ मांग मांग कर भिखारी बन गए हैं। प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ मुझे मिल जाता है, मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए प्रभु कर देता है। प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं है, प्रार्थना करने का मतलब प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु के साथ अपने रिश्ता को मजबूत करना है। मांगने वालों को कोई भी दे देता है। मैं जब रास्ते में जाता हूँ कई लोग मांगते रहते हैं, दे देता हूँ, प्रभु भी सोचता है ये मांगता रहता है, दे दो, ना देने से बदनाम करेगा। हमारी जो सिचुएशन, हमारी जो स्टेटस, हमारी जो पोजीशन प्रभु के सामने भिखारी के ना बने, प्रभु के सामने भी हमारा स्टेटस उसका संतान बने। एक संतान में, एक बेटा में, एक बेटी में और एक भिखारी में क्या फर्क है, हम भिखारी को भी देते हैं, क्या देते हैं, जो भी मांगता है दे देते हैं, जो हमारे पास होता है। और प्रभु के पास तो सब कुछ है, जो भी दुनिया का लोग कुछ भी मांगे, सोना मांगे, चांदी मांगे, लॉटरी मांगे, वीसा मांगे, गाड़ी मांगे, घर मांगे, प्रभु के पास तो सब कुछ है, दे देगा। अगर मेरे पास जितना होगा उसमें से मैं थोड़ा सा देने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, रास्ते में जब जा रहा हूं 20 पैसों निकाल कर भिखारी को देना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। लेकिन जब बेटा है, जो बच्चे हैं, मांगने की जरूरत नहीं, फेलोशिप की जरूरत है, रिश्ता अच्छा रखे बाप और बेटे का, बेटी और बेटे का, परिवार में अगर रिश्ता सही रहता है मांगने से पहले ही दे देते हैं। वो हमारे बारे में फिक्र करता है, प्रभु कहता है परमेश्वर हमारे बारे में फिक्र करता है। आपकी माँ, आपके जन्म देने वाली माँ आपको भूल सकती है, भूलना तो मुश्किल है, भूल भी सकती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। प्रभु कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारे जरूरतें क्या है। इसीलिए हमें प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं करना चाहिए कि प्रभु जी धन दे दो, प्रभु जी गाड़ी दे दो, प्रभु जी वीसा दे दो, प्रभु जी बंगला दे दो, प्रभु जी दुश्मन को हटा दो, प्रभु जी मेरे बिजनेस को ज्यादा कर दो। प्रार्थना करना सिर्फ मांगना ही नहीं, हम
ठीक है, आप हमारे नीड्स को बता सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रार्थना की बात यह है कि हम प्रभु के साथ रिश्ता करें। अगर आप 20 मिनट प्रार्थना करते हैं तो 10 मिनट आप प्रभु की सुने, कुछ ना बोले, साइलेंसली आप प्रभु से सुने प्रार्थना। अगर हम स्वार्थ पर की प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास से बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास से बढ़ने के लिए हम स्वार्थ को छोड़े, हम नेगेटिव बात करना बंद करें, और हमारे अंदर अगर कड़वाहट किसी के बारे में कुछ भी है, किसी के बारे में कुछ भी कड़वाहट है, वो उसको निकाल कर फेंक दें और हम दुनियादारी की चिंताओं को दूर कर दे। विश्वास में मजबूत होने के लिए मेन बात है प्रभु के साथ हमारे रिश्ता को हर रोज नजदीक लेकर आना, करीब लेकर आना। आपको मैं आज एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के प्रेम में बढ़ें, प्रभु में बढ़ते जाएं, आप बरकत में बढ़ते जाएंगे। आप जितना ज्यादा प्रभु में बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में धन दौलत भी बढ़ेंगे, सुंदरता भी बढ़ेगा, आपको आपके मांगने से ज्यादा, सोचने से बेहतर प्रभु दे देगा। आपकी क्या परेशानी है वो प्रभु का बताने से पहले ही आपके लिए प्रभु कर देगा। हम प्रभु को इस तरह नहीं मांगते कि हम एक भिखारी, हम प्रभु को इस तरह हमारे नीड्स को बताते हैं कि वो हमारे बाप है। और प्रभु के प्रेम में जो बढ़ता है उसके लिए जीना खुशहाली हो जाता है, और दुनिया को त्यागने का समय जब आता है उसके लिए वो नफा की, मुनाफा की, लाभ की बात हो जाती है। आपके और मेरे जीवन में, हमारे परिवारों में बरकत आता है, आपके कारोबार में, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु आप में बढ़ता जाएगा। आप प्रभु में बढ़ते जाएं, आपकी शांति बढ़ता जाएगा। आप प्रभु में बढ़ते जाए, आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। आप प्रभु में बढ़ते जाए, आपकी शांति, चैन, खुशहाली बढ़ता जाए। चारों तरफ मुश्किल होने के बावजूद भी आप अगर प्रभु के साथ बढ़ते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, तो आप प्रोटेक्ट रहते हैं, आप सेफ रह पाएंगे, सिक्योर रह पाएंगे। प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु आपको अपनी बरकत में बढ़ा जाएगा। आज अगर आपके जीवन में बरकत कमी है, या आपके जीवन में शांति की कमी है, आपके जीवन में अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ही डिले हो रहा है, देर हो रहा है, परेशानी होना, डिले मतलब डिनाई नहीं है, देर हो गया मतलब प्रभु ने उसको नाकार नहीं दिया है, प्रभु नहीं कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, प्रभु कह रहा है तू विश्वास में बढ़, आ गया और थोड़ा ऊपर आ। प्रकाशित वाक्य उसके 4 उसके 1 आयत में यूहन्ना को प्रभु कहता है कि तू और थोड़ा आ गया ताकि मैं तुझे बताऊंगा वो सारी भेद की बातें। प्रभु के जितने करीब आएंगे, जिस तरह अगर आप ठंड जगह में रह रहे हैं और वहां पे आग लगाए हुए हैं, आग के जितना करीब आएंगे उतना ही ज्यादा आप ठंड से बच पाएंगे। उसी तरह ही आप प्रभु के करीब बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या हम त्याग जीवन बिता पाएंगे? क्या दूसरे को माफ करने के लिए हम अपनी ईगो को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? क्या दूसरे के पास सुषमाचार पहुंचाने के लिए, क्या हम अपने कारोबार से कुछ निकाल कर प्रभु के काम के लिए देने के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? हम सैक्रिफाइस अगर नहीं करते हैं, मतलब हम प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं। जहां पे बलिदान होता है वहां पे प्रेम होता है। कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपका समय सैक्रिफाइस करे, आपका धन को सैक्रिफाइस करे, आपके नींद को सैक्रिफाइस करे। आपके घर के व्यक्ति अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, क्या करेंगे आप? उनके साथ हॉस्पिटल में जाकर रहेंगे? शायद आपको रात भर सोना भी नहीं मिलेगा, आधा आधे घंटे में नर्सेस आते रहेंगे, आपको उठना पड़ेगा। आप सैक्रिफाइस करते हैं आपको नींद को, क्यों? क्योंकि आप जिसको प्यार करते हैं वो हॉस्पिटल में। कुछ भी हो जाए, आपको कुछ लेके आना पड़ता है, आप जाके लेके आते हैं, बिल पैसा निकाल कर पेमेंट करते हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपका बाप अगर हॉस्पिटल में है, आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। हम अगर प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, अगर प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं करके हम बोलना चाहते हैं, सैक्रिफाइस करना सीखे। क्या सैक्रिफाइस करना है? अपने ईगो को, मैं को, मैं सबसे बड़ा हूं, ये इसको त्यागे, इसको बलिदान करे। और कड़वाहट अगर जीवन में किसी के लिए, उसको त्याग दीजिए, सैक्रिफाइस करे, प्रभु के काम के लिए अपना धन को दीजिए, अपना समय दीजिए, अपने कला को दीजिए, दूसरों को चला बनाने के लिए समय निकालिए, अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करिए, अपने नींद को थोड़ा सैक्रिफाइस करे, सैक्रिफाइस करिए। अगर हम दुनिया की सारी चीजों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम अगर प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। आखिरी में सिर्फ आप और प्रभु आमने सामने होंगे, ना माँ, ना बाप, ना आपके पास्टर, ना आपके भाई, ना आपके बहन, ना आपके दोस्त, कोई भी आपके पास नहीं। सीधा आपको आपके परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज प्रभु के प्रेम में हम बढ़ेंगे, प्रभु के सामने जब हम खड़े होंगे, दिलेरी के साथ खड़े होंगे, और प्रभु हमें जीवन का मुकुट पहनाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप आज एनकरेज हो जाइए। बेशक ये महामारी है, बेशक कारोबार में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, बेशक कई बातें प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, आपको प्रभु बढ़ाता जाएगा। प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, आपको प्रभु बढ़ाता जाएगा। आप चाहते हैं आप बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके कारोबार, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके फ्यूचर आगे बढ़े? आप प्रभु में बढ़े। आज आप क्या हम डिसीजन लेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूं।